अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारूक़ आज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप खैरियत से होंगे। तरीक़ुल्लब पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तरीक़ुल्लब पाकिस्तान ने एक और विकेट गिरा दी है। पीटीआई की बहुत बड़ी अपडेट है तरीक़ुल्लब पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा आपस में रابطہ जुड़ा रहे। तरीक़ुल्लब पाकिस्तान ने पीटीआई की बहुत बड़ी विकेट गिरा दी है। इससे पहले कि पीटीआई के लोग क्यों अब तरीक़ुल्लब पाकिस्तान के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि पीडीएम के अंदर पीटीआई ने भी बकायदा तौर मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया और आने वाले दिनों में अब उनका सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी देखेंगे इतिहाद। तो हर हवाले से पीडीएम के साथ ये मिल चुके हैं। ये अंदर से एक हैं लेकिन ये कारकुनान को दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन ये अंदर से एक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तरीक़ुल्लब पाकिस्तान ने मियां महमूद अहमद साहब का जो एमपी है और सबका मशीर वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बाजार के थे, तो उन्होंने तरीक़ुल्लब पाकिस्तान के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लिए और पीटीआई को छोड़ दिया है। मियां महमूद अहमद सबका एमपी है और सबका मशीर वज़ीरे आला पंजाब अमीर टीएलपी लाहौर सैयद नज़ीर अली शाह की मौजूदगी के अंदर इमरान नियाजी की जो मुनाफाकाना सियासत है उसे लातलकी करते हुए पीटीआई को छोड़कर दीन को तख्त पर लाने के लिए तरीक़ुल्लब पाकिस्तान में गैर मशरूत तौर पर ऐलान भी किया है और आने वाले दिनों में वो वीडियो बयान के ज़रिए अपना ऐलान करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तरीक़ुल्लब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मार लिया है, बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तरीक़ुल्लब पाकिस्तान के लिए कि आए रोज़ तरीक़ुल्लब पाकिस्तान के अंदर लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब कोई भी नहीं रोक सकता हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए। तो इंशाल्लाह तरीक़ुल्लब पाकिस्तान 2017 के अंदर बहुत बड़ा अपसेट करेगी तमाम सियासी जमातों को।